आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक करती नजर आएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरियाणा की एक सीट पर नाम इस दौरान तय हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक करती नजर आएगी, हरियाणा की एक सीट पर नाम तय हो सकता है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, एकमात्र हरियाणा की सीट जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने कि सुशील गुप्ता चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में ये बैठक होती हुई नजर आएगी उनके आवास पर। वो आज इस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आई है कुरुक्षेत्र की, उसके नाम का ऐलान और मंथन जो है आज देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। देर शाम तक ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र को लेकर अपने प्रत्याशी का ऐलान जो है करती हुई नजर आ सकती है। और मेरे पुख्ता सोर्स जो जानकारी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुशील गुप्ता, उनके नाम को लेकर वो आज सीधे तौर पर करती हुई जो है नजर आ रही है। और बहुत ज्यादा जो चांसेस हैं वो आम आदमी पार्टी मोहर लगा सकती है कि सुशील गुप्ता जो है मैदान में कहीं ना कहीं उतरते हुए जो है नजर आए, क्योंकि बड़ा चेहरा देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। ऐसे में उनका नाम सबसे ज्यादा जो है कंसीडर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की यह बैठक शुरू होती हुई जो है नजर आएगी। और इस बैठक की बात करते हैं तो न केवल हरियाणा बल्कि उसके साथ साथ गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये तमाम राज्यों में जिस तरीके से लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ना है उसके लिए प्रत्याशी कौन होता हुआ नजर आ सकता है, उसको लेकर आज मंथन जो है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक करती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने कि सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं।